पास ही होना नहीं यहीं से हाँ जैसे बता ओए बोला नहीं मुंह पे उंगली रखो हाँ जल्दी चलो आवाज कम कर दो अरे दिमाग पे पूरे माफ कर दो बीच में अनबे ना तू चल लो कुछ आठ में बैठ आराम से बैठ को बैठा रहा लाओ कभी कहीं तो प्लीज एवरीबॉडी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग देखिए आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कि आप लोग केवल 10 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट्स प्लीज शांत रहेंगे कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए प्लीज एक्चुअली आप लोग किसी से बातें नहीं करेंगे अगर आप लोग प्लीज बातें करोगे सीखने वाले बच्चे वो भूल जाएंगे डेमो से पहले हमारा एक परीक्षा सुनोगे कि अभी हम दोनों व्यक्ति कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स फिलहाल तो अभी हम लोग आपके आगरा से आए कहाँ से आए एक्चुअली मेरा घर पड़ता है राजस्थान जयपुर कहाँ पे पड़ता है जयपुर यहाँ पे हम 25 स्टूडेंट्स आए हैं जो आपके यूपी के अंदर जितने भी सारे जूनियर स्कूल है इंटर कॉलेज है वहाँ पे हम जाकर बच्चों को कोई जादू कोई मैजिक शो हम लोग नहीं बता रहे हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में किसके बारे में आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे स्टूडेंट्स अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं काफी बच्चे बताइए आते कि नहीं आते जैसे स्टूडेंट 26 जनवरी 15 अगस्त दुर्गा पूजा दीपावली टीचर डे उस समय आप लोग अपना स्कूल घर मंदिर डेकोरेशन करते हैं कि नहीं करते तो आप लोग बाजार मार्केट जाते हैं वहां से कुछ खरीद के सामान लेके आते हैं आते हैं ना स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट्स आज मैं भैया आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि मैं आपको कुछ कम लागत में यूज करना सिखाऊंगा डेमो से पहले एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपके बड़े सर जी ने और अपने जितने सारे मैम सर लोगों ने आपकी कीमती पढ़ाई छोड़कर मुझे एक 10 मिनट का अनुमति दिए मैं सर के ऊपर और टीचर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी बच्चे मिलाकर क्लैप एंड थालियां बजाएं देखिए बच्चों आप लोग ये बताएंगे इन पेपर को आप लोग जानते हैं यस या नो एक्चुअली बेटे दिस पेपर्स कलर पेपर्स कौन से पेपर्स हैं कलर पेपर्स काफी बच्चे इन्हें फेस्टिवल के समय में इन पेपर को यूज करते हैं क्या करते हैं यूज कैसे करते हैं कि आने वाले त्योहार में इनकी बनाते इस टाइप की एक झंडी क्या बनाते हैं झंडी और इसमें आटा गेहूं लगाकर आप लोग अपनी स्कूल ऑफिस घर मंदिर डेकोरेशन करते हैं ना सॉरी बच्चों आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि मैं आपको कुछ कम लागत में यूज करना सिखाऊंगा सभी बच्चे पहले नंबर इन पेपर का बना देंगे आप लोग रोल क्या बना देंगे रोल गर्ल्स एनी बॉयज आप सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे इन पेपर का रोल ऐसे आप लोग बना सकते या नहीं बना सकते सभी बच्चे बताइए बना सकते या नहीं बना सकते थैंक यू स्टूडेंट्स इस पेपर का रोल आप लोग बातों बातों में इन तरीके से इनको कम्प्लीट कर देंगे क्या कर देंगे कम्प्लीट एक्चुअली दूसरा कलर आप लोग इनके अंदर ज्वाइंट करोगे सभी बच्चे बताइए मेरे हाथ में ये कौन सा कलर है वेरी गुड इन पेपर्स को आप लोग इन्हें भी लगाएंगे तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इन्हें बाहर से नहीं इन्हें लगाएंगे तो अंदर से लगाएंगे कहाँ से लगाएंगे अंदर से ये बताइए बच्चों मैंने बातों बातों में कितने पेपर लगाए दो और दो पेपर का मैंने ये क्या बनाए रोल सबको समझ में आया वेरी गुड बच्चों ये बातों बातों में ये रोल एक कम्प्लीट हो जाएगा क्या हो जाएगा कम्प्लीट अब बारी है तीसरे कलर की कौन से कलर की तीसरे सभी बच्चे बताएंगे तीसरा कलर मेरे हाथ में ये कौन सा है येलो वाले पेपर्स को इनको भी आप लोग जब ज्वाइंट करोगे तो इन्हें भी लगा देंगे अंदर से कहाँ से लगा देंगे अंदर से वेरी गुड तो ये बताइए बच्चों मैंने बातों में कितने पेपर लगाए आप लोगों को समझ में आया किस किस को समझ में आया सबको वेरी गुड बच्चों इस पेपर का ये रोल इस तरीके से आप लोग इन्हें कंप्लीट कर देंगे समझ में आया थैंक यू ये बातों बातों में ये रोल एक कंप्लीट कल अपने स्कूल में या अपने घर में कोई फेस्टिवल्स या कोई त्योहार है सभी बच्चे क्या करोगे अपने घर के अंदर एक छोटा बड़ा सीजर माने कैंची होता है कि नहीं होता है वो तो सबके घर के अंदर होता है सभी बच्चे पहले नंबर क्या करोगे इन्हीं सीजर से एक छोटे से कट आप लोग डायरेक्शन काटोगे
माने इनसाइड बड़ा और इनसाइड छोटा। तो ये बताइए कि बड़ा किन साइड है, इनसाइड, छोटा इनसाइड। पहले कट आधे से ज्यादा, इनको आधे से ज्यादा ऐसे कट कर देगी। सभी बच्चे बताइए कर सकते हैं। नेक्स्ट कट इनको भी आप लोग सेम टू सेम इस डायरेक्शन से इनको भी आधे से ज्यादा काट देगी। समझ में आया बच्चों? बातों बातों में इनके हिस्से बन जाएंगे तीन। कितने बन जाएंगे? एक दो तीन। जो बड़े बड़े हिस्से हैं दोनों को इनसाइड मोड़कर एक्चुअली आप लोग नीचे की ओर इनको बिठा देंगे। किसकी ओर बिठा देंगे? नीचे की ओर। सभी बच्चों को समझ में आया? सेंटर में सीजर डालकर आप लोग इन्हें यहाँ से कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट। एक्चुअली कट करने के बाद इंग्लिश का एक पेटिकल्स अस्कर बना देंगे, जिनको हम लोग इंग्लिश में एक पेटिकल अस्कर बोलते हैं। स्टूडेंट्स टी, कौन सा अस्कर है? टी। टी से टीचर्स या टाइबल्स या टाइगर्स, अगर किसी का ये नाम जुड़े तो आप लोग इन्हें पॉकेट बैग ऑफिस में इन्हें रख सकते हैं बना बना कर। देखिए स्टूडेंट्स, कल अपने स्कूल में या अपने घर में कोई फेस्टिवल है, सभी बच्चे क्या करोगे? इनसे वन पेज पकड़कर इनको उठाएंगे तो आपके सामने एक छोटा सा आइटम ये तैयार। ये देखिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताइए कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा है कि खराब लगा है? ऐसे बना बना कर आप लोग अपने स्कूल ऑफिस में लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा कि खराब दिखेगा? सॉरी, माफ करना, वेरी बिग स्टूडेंट्स, दिस माय राजस्थान चिल्ड्रंस फोर्थ क्लास थर्ड क्लास। जैसे वो बच्चे क्या करते हैं, इसी वेस्ट पेपर से यूज करके अपना स्कूल घर डेकोरेशन करते हैं, तो आप लोग ऐसे बना सकते कि नहीं बना सकते? स्टूडेंट्स ये मेरा फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम और देखना चाहते हैं? बच्चे ये बताइए मेरे हाथों में ये कौन सा पेपर है? वेरी गुड, येलो वाले पेपर्स को इनको बना देंगे आप लोग रोल। क्या बना देंगे? रोल। सभी बच्चे बताएंगे रोल बना सकते या नहीं बना सकते? वेरी गुड बेटे, एक्चुअली रोल सेम, रोल सेम, एक्चुअली कटिंग डिफरेंट सेपरेट। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से ये रोल बातों बातों में एक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। एक्चुअली ये बातों बातों में एक रोल कंप्लीट। दोनों हाथों से इन्हें आप लोग प्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रेस। प्रेस करने के बाद एक छोटे बड़े कट आप लोग यहाँ से लगा देंगे, आधे से ज्यादा। सेकंड इन्हें भी यहाँ से सेम टू सेम। समझ में आया? इनको भी इस प्रकार से ऐसे आप लोग काट देंगे। सभी बच्चे एक एक की जगह ये दो, कितनी बार? दो बार। दो बार काटने के बाद एक को छोड़ना है और एक हिस्से को यहाँ से हटाना है। क्या करना है? हटाना है। एक हिस्से को काटना है और एक हिस्से को यहाँ से हटाना है। सभी बच्चे बताएगी इस प्रकार से आप लोग कट कर सकते या नहीं कर सकते? बड़े आपके सामने एक छोटा सा आइटम बनेगा, जो हम लोग राजस्थान के अंदर इनको बोलते हैं रंगोली। क्या बोलते हैं? रंगोली। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कर से कट मिलाएगी, एक बातों बातों में एक ये डिजाइन अपने हाथों से ये कम्प्लीट। ये देखिए, कल अपने स्कूल में कोई फेस्टिवल या कोई त्योहार है, सभी बच्चे क्या करोगे? इनसे वन पेज पकड़ कर आप लोग ओपन करोगे तो आपके सामने रंगोली आइटम्स तैयार। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग बनाकर अपने घर ऑफिस में लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा कि खराब दिखेगा? सॉरी स्टूडेंट्स, माफ करना, वैसे में मेरे पास 25 आइटम होते हैं। कितना आइटम होते हैं? एक्चुअली आज मैं आप लोगों को 25 आइटम नहीं सिखा सकता हूँ कि मुझे दूसरा स्कूल में भी जाना होगा। एक्चुअली मैं लास्ट आइटम बताने जा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मेरे हाथों में ये कौन सा कलर है। सच बताना बेटे, अपने स्कूल में टीचर डे होता है कि नहीं होता है? आप लोग अपनी मैम सर टीचर के लिए गिफ्ट लेके आते कि नहीं आते? क्या लेके आते हो? पेन चॉकलेट वगैरह लेके आते हो ना? सॉरी बच्चों, माफ करना कि हमारे जो राजस्थान के बच्चे वो लोग पेन चॉकलेट वगैरह खरीद के लेके नहीं आते, इस पेपर का बनाते थे पहले लोग नंबर रोल। क्या बनाते हैं? रोल। तो सभी बच्चे बताइए ऐसे रोल तो बना सकते ना आप लोग? वेरी गुड। दूसरा कलर इनके अंदर आप लोग लगाएंगे तो बच्चों ये बताइए ये कौन सा कलर है? पिंक। पिंक वाले पेपर्स को इनको भी अंदर से लगा देंगे। कहाँ से लगा देंगे? अंदर से नहीं बेटे, अंदर से। तो ये बताइए बच्चों, मैंने कितने पेपर लगाए? दो। और दो पेपर का ये रोल अपने हाथों से ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। अब बारी है तीसरे कलर की। कौन से कलर की? तीसरे। सभी बच्चे बताइए आप लोग तीसरा कलर लगाना चाहते हैं तो ये बताइए मेरे हाथ में ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन वाले पेपर्स को इनको भी आप लोग सेंटर या बीच में से अंदर से लगा देंगे। कहाँ से लगा देंगे? तो ये बताइए बच्चों, मैंने कितने पेपर लगाए? तीन। और तीन पेपर का ये रोल अपने हाथों से बातों बातों में ये कंप्लीट हो गया।
कल अपने फ्रेंड में बर्थडे या कोई भी टीचर डे फेस्टिवल्स है, तो आप लोग क्या करोगे, इस पेपर का रोल ऐसे कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया? कंप्लीट करने के बाद बच्चों कल आप लोग क्या करोगे, छोटे बड़े सीजर से, रोल सेम कटिंग डिफरेंस अलग, ये देखिए पहले नंबर आप लोग इस तरीके से इनको आधे से ज्यादा यहाँ से काट देंगे। कितना काटोगे? आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा यहाँ से इन्हें काट देंगे। सेकंड नंबर जो बड़े वाले हिस्से है इनको ऐसे मोड़ कर आप लोग इनको नीचे की ओर डाउन कर देंगे। किसकी ओर? नीचे की ओर, बीच में सेंटर में सीजर डालकर आप लोग इन्हें यहाँ से काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। काटने की बात एक्चुअली पिंक वाले पेपर को एक साइड और ग्रीन वाले पेपर को एक साइड, सभी बच्चे बताएंगे इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेरी गुड। जैसे स्टूडेंट्स ग्रीन पिंक के बीच में आए तो ग्रीन को हटाना है और ग्रीन पेपर्स को इनसाइड आप लोग हटा दीजिए। जो ग्रीन वाले पेपर्स को दोनों को यहाँ से आप लोग एक दूसरे से मिला दीजिए। क्या करेंगे? मिला दीजिए। मिलाने के वक्त में एक छोटा सा कट यहाँ से आप लोग इन्हें काट दीजिए, आधे से ज्यादा। सेकंड कट इन्हें यहाँ से एक छोटा सा कट ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद बच्चों जितने सारे पेपर्स एक्चुअली आए हैं इन पेपर को एक पेपर को बिठा कर यहाँ से इन्हें काटेंगे राउंड कट। कौन सा कट? राउंड। राउंड कट काटने के बाद एक डिजाइन आपके सामने ये तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार। अपने पास पेन पेंसिल होता है कि नहीं होता है? इन पेन पेंसिल से जितने सारे पेपर्स को बिठाकर एक्चुअली इन्हें दोनों फिंगर उंगलियों से इन्हें आप लोग दबा देंगे, एक छोटा सा आइटम ये तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? तैयार। जिनको हम लोग बोलते हैं एक नागफनी का पेड़। कौन सा पेड़ है? नागफनी का। बड़े एक्चुअली अच्छा लगे तो आप लोग रख सकते, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। कल अपने स्कूल में कोई फेस्टिवल है या कोई त्योहार है, सभी बच्चे क्या करोगे, पहले नंबर जितने सारे पेपर्स को इनको आप लोग डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे? नीचे की ओर बिठा देंगे। नीचे की ओर बिठा कर फर्स्ट पेज धीरे से हल्के से हाथों से इन्हें यहाँ से आप लोग उठाइए, तो एक ये फर्स्ट आइटम आपके सामने ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए सभी बच्चों का क्या था, ये देखिए ऐसे आप लोग इस आइटम्स को ऐसे खोल देंगे तो ये फर्स्ट आइटम बन जाएगा। कौन सा आइटम बन जाएगा? फर्स्ट। एक्चुअली अच्छा लगे आप लोग रख सकते, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इनको नीचे की ओर आप लोग नीचे की ओर बिठा कर इनको स्टूडेंट्स टर्न बाय यहाँ से आप लोग घुमा देंगे। क्या करेंगे? टर्न बाय। एक्चुअली टर्न बाय घुमाने के वक्त ये दूसरा आइटम आपके सामने तैयार। बच्चों ये दूसरा आइटम तैयार, जिनको हम लोग बोलते हैं दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार। क्या बोलते हैं? कौन सा मीनार? कुत्ता बीमार नहीं, कुतुब मीनार। इस तरीके से आप लोग ऐसे पेपर्स को खोल देंगे। प्लीज पेपर को खोलने के वक्त में वेस्ट वाली पेपर्स को इनसाइड ऐसे हटा देंगे। एक छोटे से पेपर्स को धीरे से हल्के से हाथों से उठाकर वेस्ट वाले पत्तियों को यहाँ से काट देंगे। एक्चुअली काटने के बाद जितने सारे पेपर्स आए हैं उन्हें आप लोग नीचे की ओर इन्हें यहाँ से डाउन करोगे तो एक लॉटस गुलाब का फूल आपके सामने एक आपके सामने एक लॉटस एक गुलाब का फूल तैयार। सभी बच्चे बताइए कैसा लगा आपने। सॉरी स्टूडेंट्स, हम जैसे दोनों व्यक्ति राजस्थान से आए। कहाँ से आए? एक्चुअली आपके स्कूल के लिए कोई गिफ्ट कोई तोहफा लेके नहीं आए। मैं एक भैया छोटा बड़ा कलाकार हूँ जो जैसे सभी कॉलेज स्कूल में ये डेमो शो करता हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट हम दोनों व्यक्ति की तरफ से सर को हम गिफ्ट करेंगे। सभी बच्चे जोर से तालियां बजाइए। देखिए स्टूडेंट्स, इनके सीखने के लिए मेरे पास एक ये छोटा सा पेटिकल्स बुक होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स इस बुक का नाम है इंडियन पेपर आर्ट्स। जैसे आप लोग इसके अंदर एक दो तीन आइटम नहीं, इस बुक के अंदर है 25 आइटम। कितना आइटम? 25। पहले नंबर आप लोग खोलोगे मोमबत्ती स्टैंड्स डॉल, सेकंड पिजन गुलाब का फूल, फोर पेज क्रिसमस ट्री, रंगोली बास्केट, कमल का फूल, जापानी फैन, ये बहुत सारे आइटम। आप सभी बच्चे इन्हें पढ़कर इन्हें बना सकते हैं। आपको तो हिंदी पढ़ना आता है? Yes, बच्चों इस किताब के अंदर तीन भाषाएं। कितनी भाषाएं? पहली भाषा आप लोग देखोगे हिंदी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड उर्दू। आप लोग इन्हें पढ़कर इन्हें बना सकते हैं। मैंने इस बुक के बारे में आप लोगों को बताया, अच्छा लगा है कि खराब लगा? बेटा एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बुक के बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग इन्हें जानते हैं? क्या नाम है जी? मोटू पतलू। सॉरी बच्चों, हमारे जो राजस्थान के बच्चों ने एक टीवी को देखकर अपने हाथों से ये बुक तैयार किया है। इस बुक का नाम है मैजिक बुक। क्या नाम है? मैजिक बुक। ये इस बुक के अंदर ये किनका कैमरा होता है? क्या होता है?
कैमरा। बच्चों जैसे आप लोग पहले पेज ओपन करोगे तो आपको ये एबीसीडी दिखाई देगी और डॉल, सेकंड स्पाइडरमैन, हॉर्स, ये देखिए छोटा भीम, तितली, डोरेमोन, मॉन्की, बहुत सारे आइटम आप लोग इन्हें देख सकते हैं। सभी बच्चे बताएगी ये दोनों गुड़िया आपके सामने डांस कर रही है क्या? यस या नो? नो। एक्चुअली स्टूडेंट्स इनके ऊपर एक छोटा सा ये कैमरा लगाएगी, बिना साउंड, बिना मैजिक, बिना बैटरी, अपने आप ये दोनों गुड़िया डांस करेगी। ये देखिए, ये देखिए, तो सभी बच्चे बताएंगे डांस हो रहे नहीं हो रहे। तो बच्चों इस प्रकार से इनको डांस करा सकते हैं। सेकंड पेज आप लोग खोलोगे स्पाइडरमैन, ये भी आपके सामने डांस करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स। थर्ड पेज आप लोग देखोगे छोटा भीम, कौन सा भीम? ये छोटा भीम भी आपके सामने स्टूडेंट्स के डांस करेगा। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये देखिए। लास्ट आप लोग देखोगे मोटू और पतलू। अगर बच्चों मोटू पतलू का डांस देखोगे तो सभी बच्चे पागल हो जाएगी। ये देखिए मोटू पतलू वेरी डांसर, ये देखिए, ये देखिए। तो सभी बच्चे आप लोग ये बताइए, मैंने आपको ये कला बताया अच्छा लगा है कि खराब लगा है? कितने बच्चों को अच्छा लगा है? सबको? वेरी गुड। तो आप लोग सीखना चाहते हैं कि भूलना चाहते हैं? सॉरी बच्चों माफ करना, ये डेमो मेरा एक्चुअली फ्री होता है, आपसे, बड़े गुरुजी से, मैम टीचर से, कोई पैसा कोई डोनेशन नहीं, ओनली फ्री। अगर आप लोग बाय इंप्रेस सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए इन दोनों किताब की जरूरत, आप लोगों को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक्चुअली ये किताब आप लोग राजस्थान जोधपुर से मंगवाना चाहोगे, एक किताब वहां से मंगवाओगे तो एक किताब का प्राइस होता है 20 रुपए, कितना होता है? 20। और इनका भी प्राइस होता है 20 और 20 कितना हुआ? 40। सॉरी बच्चों माफ करना, सुबह मेरे पास बहुत ज्यादा किताब थे, एक्चुअली आज मेरे पास इतना सारा नहीं कि मैं सबको बांटूंगा, प्रॉमिस मेरे पास है केवल 30 या 35 बुक है। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम मेरे पास दोनों के पास 200 किताब थे, तो मैंने यहाँ पे एक आगे मिडिल स्कूल है वहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे थे, मैंने वहाँ पे बताया तो वहाँ पे कम से कम 80 या 90 बुक्स बच्चों ने खरीदी, और इधर भी कुछ बच्चे मिले थे हमें। अगर आप लोग ये दोनों किताब लेना चाहते तो ये दोनों किताब का प्राइस मैंने कितना बताया? सॉरी बच्चों आप लोगों के लिए दोनों किताब का प्राइस 40 रुपए नहीं होगा, जैसे प्रिंसिपल सर की तरफ से, मैडम टीचर की तरफ से, आप लोग आज अभी इसी वक्त लेना चाहते तो इनका हाफ रेट दोनों किताब का प्राइस होगा केवल मात्र 20 रुपए। कितने पैसे? 20 रुपए, ओनली 20 रुपीज। सॉरी बच्चों मैं भैया कल परसों आने वाला नहीं हूँ, आज हमारा आखिरी दिन है, कौन सा दिन है? आखिरी। सॉरी जिन्हें बच्चों को चाहिए आप लोग ये दोनों किताब 20 रुपए में ले सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो लोग ले लेंगे, पैसा नहीं तो आप लोग फ्रेंडशिप से एडजस्ट हो सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो मैं बड़े सर और मैम टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे आपके लेना चाहते हैं उनको दिला सकते हैं, कल आकर भी आप लोग मैम टीचर को पैसा दे सकते हैं। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप लोग ये 20 रुपए में ये दो किताब ले सकते हैं। तो इसी से मेरा कार्यक्रम समाप्त, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो बच्चे लेना चाहते हैं